मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। करीब आधे घंटे तक विधि विधान के साथ गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि महाकाल बाबा की कृपा मुख्यमंत्री मोहन यादव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव किए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में नेता और अभिनेता आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन किया है। मंदिर के पुजारियों ने करीब आधे घंटे तक बाबा महाकाल के गर्भगृह में पूजन करवाया है। पूजन के बाद नंदी हॉल में बैठकर मंत्र जाप किए गए। भगवान महाकाल की नंदी से उन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। प्रदेश में शांति, देश में शांति, समृद्धि, सुख, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, यही मांगते बाबा से। बाबा देने वाले हैं, महाकाल हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो बदलाव लाए, वो चाहे धार्मिक बदलाव हो, सांस्कृतिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, ये सारे माननीय मोदी जी के कारण से देश के अंदर आ रहे हैं और उसका एक पार्ट महाकाल लोक भी है। मंदिर समिति की ओर से प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दुपट्टा लड्डू प्रसाद देकर सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल के परम भक्त थे और उन्हें हमेशा बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रदेश में खुशहाली और तरक्की हमेशा बनी रहे। महाकाल बाबा की कृपा मुख्यमंत्री मोहन यादव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव किए। मधुभाषी प्रदेश के लिए उज्जैन से अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मधुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।